मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस मुख्यालय से संचालित महिला सुरक्षा हेल्पलाइन और पुलिस द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने और शांति भंग करने वाले अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों से जुड़ी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जरूरतमंद लोगों को पुलिस की सहायता तत्काल मिले। मुख्यमंत्री ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्होंने जिन थानों से नौकरियां की शुरुआत की है उन थानों का स्थलीय निरीक्षण करें, आवश्यकता अनुसार संबंधित थानों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी वो सहयोगी बने। पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था इस मुख्यालय से चलती है, इसलिए आज यहाँ पर आकर सभी अधिकारियों से वार्ता भी की है, सबसे चर्चा की है और कुछ सुझाव भी लिए हैं। कुछ जरूरी जो काम हैं राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हों, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो और इन पर सख्ती से कानून काम करे। इस संबंध पर सब चर्चा हुई है और साथ ही पुलिस की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ साथ जो यहाँ पर भवन इत्यादि बनाए जाने हैं जिसमें हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों तक का प्रावधान किया है, उस धनराशि से पुलिस के लिए अच्छे आवास बने, ट्रेनिंग समय समय पर अच्छी हो। हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के प्रारंभिक काल में जहाँ से ट्रेनिंग ली है उन थानों में जाकर उन थानों की व्यवस्थाओं को भी देखें कि उनके ट्रेनिंग काल से लेकर अब तक थाने किस स्थिति में आ गए हैं, कितना उसमें परिवर्तन हुआ है या उसमें और क्या सहयोग किया जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए और यातायात की व्यवस्था ठीक की जाए, इन सभी पर चर्चा हुई और हमें लगता है कि आने वाले समय हमारी पुलिस और अच्छे तरीके से काम करेगी और जो अवांछित तत्व हैं उन तत्वों पर सख्ती से निपटेगी।